दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे राजेश श्रीवास्तव जी हार्ट अटैक की वजह से दिल्ली एम्स में एडमिट हैं और पिछले 25-26 घंटों से उन पर इलाज चल रहा है और 11 से ज़्यादा डॉक्टर उन पर निगरानी रखे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार टच में हैं, मोदी जी लगातार टच में हैं, योगी जी लगातार टच में हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर फ़ोन करके ये कहा है कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हम तमाम देशवासियों का सबकी प्रार्थनाएं उनके साथ में, सबकी दुआ उनके साथ में, भगवान करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि एक इंसान ने जितना लोगों को हंसाया है इतना तो उनका हक बनता है कि वो ऐसे इस तरह से बिस्तर पे पड़े और बेहोश नहीं रह सकते। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए और अभी भी वो बेहोश है और पर हम सब प्रार्थना करेंगे कि वो होश में आ जाए, हंसे मुस्कुराए जैसे उन्होंने दुनिया को हंसाया, वो खुद भी हंसे। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारे मेरे लिए तो गुरु हैं, मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे लिए तो वो हमारे कॉमेडी के मुखिया है, बड़े भाई है और बहुत प्यार करते हैं वो हम सब जूनियर से, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सारे सीनियर्स की। सब लोग आज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं राखी के दिन, स्पेशली बहनें उनके लिए, उनकी बहनें भी और देश की सारी तमाम बहनें भी उनके लिए प्रार्थना कर रही है। इस दौर से कॉमेडी जगत आज गुजर रहा है, ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द होश में लाए। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जब वो होश में आएंगे तभी अगला ट्रीटमेंट पे होगा और वो 25-26 घंटे से होश में नहीं है। ये इसके लिए हम सबको प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान के साथ में है, उनके लिए हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान उनकी रक्षा करे, उन्हें ठीक करे। राजू भाई प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाइए। गेट वेल सून। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत गंभीर परिस्थितियाँ देखी हैं, बहुत दुख दर्द झेले आपने, वो आपके सामने टिक नहीं पाए कि छोटा सा हार्ट अटैक क्या है। प्लीज़ आप, मुझे पता है कि बहुत बड़े योद्धा है, आप लड़ेंगे और जीतेंगे। भगवान आपको लंबी आयु दे, आप जीव हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा आपका फैन सुनील पाल। लव यू राजू भाई।